अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सफिया माही। आज हम लोग एक बच्चे को क्लीनर बनने से बचाए, जिसका नाम अब्दुल्ला है, 17 साल है। ये हम लोग को एक कॉल आया था बाहर से, एक मजबूर बेबस माँ, माशी हालत ख़राब रहने के वजह से वो मेहनत करने के लिए बाहर, कुछ दिन कबल वो बाहर गए और उन्होंने कॉल कर रहे तो बच्चे का फ़ोन नहीं लगने के वजह से वो माँ परेशान होके वहाँ पर आजू बाजू फ़ोन करने के वजह से मालूम हुआ कि वो घर को लॉक है, बच्चा 4-5 दिन से घर पे नहीं है। तो उनके वालदा वहाँ के कुछ लोगों को बोलने के बाद उन लोग को मालूम हुआ कि कुछ किन्नरों के साथ फिर रहा था बच्चा। उसके बाद उन्होंने हमको कॉल करे कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा गलत हाथों में पड़ गया और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को सेव करिए। वो माँ बाहर से रो रो के रिक्वेस्ट कर रही थी। तो हम जो भी हमको फ़ोन करे वो फ़ोन पे रिक्वेस्ट कर रहे थे और फ़ोटोज़ भी भेजे वो वहाँ से हमको। वो फ़ोटो भेजने के बाद हम लोग जाके 2 दिन मेहनत, 2 दिन 2 रात मेहनत करने के बाद ये बच्चे तक हम लोग पहुँचे। बच्चा जो है किस तरह वहां तक पहुंचा? कुछ कुछ लड़के हैं जो ये लोगों से टच में हैं और ऐसे कई लड़कों को ये लोग यहाँ पर लेके जा रहे, ये लोगों से दोस्ती करा रहे। तो ऐसा कुछ वो दोस्ती लग जाए कि वहां छोड़ने का इन लोगों को कुछ पैसे मिल रहे क्या है? देखिए कुछ ना कुछ वजह होंगी या कोई वो बच्चों को कुछ उससे आमदनी होंगी। कोई बेवजह तो कोई ये चीज़ों में नहीं जाता और किसी को कोई अपने जेब से खर्चा करके कहीं नहीं लेके जाता। तो जहाँ तक ये हम तक इन्फॉर्मेशन आई, हम एक बच्चे को बचा लिए। ऐसे कई बच्चे होंगे जो ये लोग तक पहुँच रहे, ये ज़िंदगी ख़राब कर ले रहे। और हर कोई माँ बाप से किन्नर बन के नहीं आता। आजकल आए दिन लोग किन्नर बनने के लिए उड़ी पड़ रहे और कई ऐसे बच्चे हैं। ऐसी क्या वजह है जो आजकल के नौजवान किन्नर्स बनने में मजबूर हो रहे हैं? देखिए ऐसे कई वजह है क्योंकि ये बच्चों को कई लालच दिया जा रहा है। जैसे कि ये लड़का हमसे बोल रहा था कि अगर ये किन्नर्स में कन्वर्ट हो गया तो वहाँ के लोग इसको 5 लाख रुपए देते बोल के बोल रहा था। अब दस तोले इसमें सोना कितनी 10 तोले सोना देते बोल रहा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है हम तो नहीं जानते, बट ना कोई अपनी ज़िंदगी यूं ही ख़राब नहीं करता। ये बच्चों को कुछ लालच दिया जा रहा है, लालच के बल पे बच्चे वो रास्ता इख्तियार कर रहे। इजी के लिए हो, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी एनजीओ की तरफ से, किसी और की तरफ से अगर बच्चों को समझाना हो या कुछ मीटिंग करना हो तो ऐसा क्या करना चाहिए जो बच्चे ऐसे गलत? वो बच्चे का पूरा माइंड डाइवर्ट हो गया था और उसके चाल ढाल में भी चेंजेस आ गए थे। बहुत तरीके से लोग माइंड डाइवर्ट कर दे रहे। और जो भी किन्नर्स हमको देख रहे, हम उनको ये मैसेज देना चाह रहे, देख लिया आपकी बिरादरी अलग है, आप लोग का कुटुंब, आप लोग का कबीला अलग है। आप अच्छे खासे इंसान को किन्नर बना के उनके माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब कर रहे, उनके माँ बाप एक घर तो बर्बाद कर रहे। आप एक भाई से उसके बहन को छीन रहे, एक माँ से उसके बेटे को छीन रहे। आप लोग अगर माँ पेट से हैं तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप माशरा खराब मत कीजिए, आप ये जनरेशन खराब मत कीजिए। हमारी किन्नत से कोई दुश्मनी नहीं है, हम आप लोग से भी गुजारिश कर रहे कि आप लोग जो है हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग, हम चाहते हैं कि आप लोग को भी कोई मुसीबत है आप भी हमको कॉल करिए। आप लोग के लिए भी हम आधी रात आपकी मदद के लिए हम तैयार है, बट आप लोग ये लोगों को माइंड डाइवर्ट करके, ये लोगों का घर बर्बाद करके, एक माँ से उसके औलाद को दूर करके आपको क्या मिलेगा? आप इजी मनी का उन लोग को एक लालच हो जा रहा, लेकिन इसमें किसका घर बर्बाद हो रहा, किसके मको से माँ की औलाद उजड़ रही, आप लोग वो भी देखिए। अल्लाह हाफिज। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पे कुछ ज़्यादा तवज्जो दे। एक उम्र के बाद पेरेंट्स थोड़ा उन लोग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। माँ बाप तो हमेशा ही रहते, बच्चों के साथ फ्रेंडली थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उन लोग को जानिए उनके दिमाग में क्या चल रहा, क्या अच्छा क्या बुरा, उनको समझाइए आप लोग। क्योंकि अब देखिए ये हम तक आया, कुछ नॉल कुछ तो किसी और के भी नॉलेज में नहीं है, यहाँ तक कि पीएस के नॉलेज में भी नहीं है। ये हम तक आ गया बोल के हम ये एक को सेव कर लिया। ऐसे कई बच्चे होंगे जो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे। तो
तो हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, आप लोग उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करिए। बच्चा उनके वालदा जो फोटोस हमारे को भेजे, वो फोटोस को देखने के बाद बच्चा वहां से आने के बाद उसके चाल डाल में थोड़ी हमारे को चेंजिंग दिखी, ये चीज के लिए हम हुकूमत से पीएस की भी हम सपोर्ट लिए और सीडब्ल्यूसी का भी सपोर्ट लिए, कलेक्टर ऑफिस का भी हम सपोर्ट लिए। ये पूरे लोग हमको सपोर्ट करने के बाद ही हम ये बच्चे को शेल्टर होम तक पहुंचाए। तो ये आजकल नौजवान बच्चे समुद्रों पर बैठे टाइम पास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? ये देर रात तक बाहर बैठ रहे ना, इसमें ही इन लोग का माइंड, एक बच्चा एक बोलता है, एक बच्चा एक बोलता है, इसमें बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता। वो लोग थोड़ी देर बैठते, उसके बाद कहाँ जा रहे क्या है माँ बाप को भी नहीं मालूम रहता। जब आपके बच्चे देर रात बाहर रह रहे तो प्लीज आप लोग उन लोग को कॉल करिए, फोन करिए, हो सके तो वीडियो कॉल करके देखिए आपके बच्चे कहाँ है क्या कर रहे। आप लोग आपके बच्चों के ऊपर प्लीज थोड़ा फ्रेंडली तवज्जो लीजिए, दोस्ताना अंदाज में उनके साथ रहिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे। जी हाँ, हम उन लोग के हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। ऐसा कहीं भी कोई भी दिखे तो प्लीज आप हमसे रब्ता कर सकते। हमारा नंबर है 8096450343। और हर एनजीओ से रिक्वेस्ट कर रहे मंथली वंस आपके एरिया में, मंथली वंस या वीकली वंस आपके एरिया में आप एक प्रेस मीट रखिए, और ऐसे यंग स्टूडेंट्स, यंग लेडीज जो भी है, यंग जनरेशन जितने भी है, उन लोगों को लेके आप एक काउंसलिंग कीजिए। अलग रूप में रात होते अलग रूप में रहता है, तो ये किन्नर वाकई में किन्नर है, ये कमाई का जरिया बना के कारोबार कर रहे। ये लोग इजी मनी का एक जरिया बना लिए, ये पैदाइशी किन्नर नहीं है, माँ पेट से किन्नर नहीं है, ये लोग जो है इजी मनी का एक आसान तरीका ढूंढ लिए। लोग सिर्फ थाली मारना, पैसा कमाना, ये किन्नर लोग को देख के इन लोग को यही दिख रहा कि अरे इसमें मेहनत नहीं है, ना पसीना बहाना है, थाली मारो पैसे कमाओ। इन लोग ये चीज को एक शौक बना ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा बच्चा अब्दुल्ला जिसकी उम्र है 17 साल जी, मेरे बच्चे को मैं छोड़ कर यहाँ पे कुछ दिन हुआ, यहाँ पे दुबई में आई हुई हूँ काम करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं है सिवाय बच्चे के, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे को छोड़ के 15 दिन 20 दिन कुछ हो रहा, मैं यहाँ पे आके, मेरे हाथ में हुनर है, तो वो हुनर का यानी कि मैं कुछ कमाऊंगी कुछ हुनर से अपने भूल के आई मैं बच्चे की आगे ज़िंदगी के लिए। और मेरे को जब मेरा बच्चा फ़ोन नहीं उठा रहा, ब्लॉक कर दिया था, तो मैं अपने को आजू बाजू वालों से पूछने पे मालूम हुआ कि बच्चा घर में नहीं है, मालूम हुआ कि बच्चा ऐसा दोस्तों के संगत यानी दोस्तों भटका के उसको जो वो बोलते किन्नरा बोलते किन्नर के पास लेके चले गए, वहाँ पे ले आके छोड़ दिए कि अपने आप को अपने आप को जेंडर बनाने के लिए बोल के दोस्तों के बातों में आके चले गए। इसकी उम्र 17 साल है, जब मैं को कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं साफिया माही मैडम का नंबर निकाली, मैं उनसे उनका जितना एहसान मानूँ, मैं जितना शुक्र अदा करूँ, मेरे लिए बहुत कम है। अल्लाह रसूल के बाद में उनका एहसान एक माँ पे मेरा गोद उजड़ता हुआ बच्चा मेरी ज़िंदगी, मेरा जीने का सहारा चले जा रहा था, मैं बहुत बहुत एहसान मंद हूँ साफिया माँ जी का, मेरे मैडम का मैं बहुत एहसान हूँ। जिस तरीके से बोलेंगे ज़िंदगी बाकी रहेंगे। हमको फोर्स करी, बोली कि मैडम मेरा बच्चा आपके पास रखिए, आप उसको सेव करिए, कहीं पे भी अच्छी जगह पे रखिए, बोल के बोली। मेरे मैडम का बहुत एहसान है साफिया मैडम का, अल्लाह उनको अच्छे से अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए मेरे मौला।